नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। राहुल गांधी अक्सर ये चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर दावा किया था कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। इसे लेकर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसे राहुल गांधी को जरूर सुनना चाहिए। रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने कहा, सन 1964 में क्या हुआ वो उस समय की बात थी, लेकिन आज के समय में भारत अंतिम इंच तक अपनी जमीन को नियंत्रण में रखे हुए है। वो नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, जो तथ्य है बस वही बता रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल किसी भी प्रकार की घटना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर कोई कुछ भी गड़बड़ी करता है तो उस पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। बता दें कि 25 अगस्त 2023 को राहुल गांधी कारगिल पहुंचे थे। वहां एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ऐसे में एक चीज स्पष्ट है कि चीन ने भारत की जमीन कब्जाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी झूठ बोलने का आरोप लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जमीन का मसला है और चीन हमारी और जमीन लेना चाहता है। लद्दाख में राहुल गांधी ने बाइक भी चलाई थी। अब एलजी ने उनके इन आरोपों को नकार दिया है। इतना ही नहीं, मुंबई में हुए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने अपने इस आरोप दोहराया था कि चीन ने भारत की जमीन कब्जाई है। साथ ही उन्होंने भारत सरकार पर चीन के साथ इसके लिए समझौता करने तक का आरोप लगा दिया था। उन्होंने केंद्र सरकार पर लद्दाख की जनता से धोखा का आरोप मढ़ा था। भाजपा ने भी उन पर हमला बोलते हुए पूछा था कि वो चीन के प्रवक्ता की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं। लद्दाख के राज्यपाल रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने उनके इस बयान पर तगड़ा जवाब दिया। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी अब क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या कुछ अपने बयान में बदलेंगे या फिर हर बार की तरह पुराना राग ही अलापेंगे। हालांकि राहुल गांधी का चीन के प्रति प्रेम जग जाहिर है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।